हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूं संजय और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्रेस सपोर्ट। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो आपके डिमांड के ऊपर बनाई जा रही है, बहुत सारे भाई मेरे कमेंट करते हैं कि जो हम आर्ट बनाते हैं यानी डैशबोर्ड के ऊपर जो थंबनेल लगाते हैं सॉन्ग के, सॉन्ग जो भाई अपलोड करते हैं, तो उसका थंबनेल कैसे बनाएं डैशबोर्ड के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे साइज रखनी है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैंने इसके ऊपर पहले भी दो बार वीडियो बना रखी है, बट फिर भी बहुत सारे भाई के कमेंट आते हैं, तो मैं आज आपको फिर से एक बार बना के दिखाऊंगा। तो वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, मैं आ गया हूँ, देख सकते हो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो फेसबुक पर सॉन्ग डालते हैं उसका जो थंबनेल होता है उसको कैसे बनाएं। तो मैं अभी आपको पूरा लाइव व्यू दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ किस तरह का थंबनेल बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ये सॉन्ग के आगे जो ये थंबनेल दिख रहा है स्मॉल, इस तरह का थंबनेल आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे भाई के कमेंट आते हैं कि जो आर्ट यानी कि जो डैशबोर्ड में आर्ट लगाते हैं यानी कि इसको आर्ट वर्क बोलते हैं, तो इसको कैसे बनाए, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा। तो चलो आपको प्रोसेस। तो हमें सबसे पहले तो एक जो आप वहाँ पे थंबनेल पे जो फोटो लगाना चाहते हो उसको यहाँ पे गैलरी में ओपन करना है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोटो ओपन कर लिया है। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ 3000x3000 पिक्सल में और उस तरह का कैसे बनाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फिक्स लेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप फिक्स लेयर पे क्लिक करोगे तो थोड़ा वेट करना है, तो इस तरह का हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो इसको आप हमें यहाँ पे 1.1 का जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके ऐसे साइज में रख देना है, और इसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई देगा इमेज साइज, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो 1200 से दिख रहा है इसको यहाँ पे 3000x3000 कर देना है दोनों तरफ, वेट एंड हाइट दोनों तरफ यहाँ पे 3000x3000 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो फोटो है यहाँ पे 3000x3000 के साइज़ में आ चुका है। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर हमें जो सॉन्ग से रिलेटेड डिटेल डालनी है, तो क्या क्या डालना है। सबसे पहले तो यहाँ पे टाइटल डाल देना है, इस तरह यहाँ पे टाइटल लिख के यहाँ पे कोई सा चिन्ह लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टाइटल लिख देना है। तो यहाँ पे कोई सा सॉन्ग लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ अपने सॉन्ग का टाइटल, देख सकते हो इस तरह लिख के आपको यहाँ पे इस तरह यहाँ पे सेट कर देना है साइड में। सेट करने के बाद अगर इसको और गहरा दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे आना है, इस पर क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। यहाँ पे आप कोई सा कलर सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह देख सकते हो ये लिख देना है। इसके बाद हमें फिर से प्लस पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंगर नेम लिख देना है। तो मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूँ, देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, देख सकते हो यहाँ पे ओके होने के बाद इसको छोटा भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे नहीं ज़रूरी नहीं है नीचे लिखे इसको। इसका बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इस तरह यहाँ पे लिख देना है। इसके ऊपर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, वह है लेवल नेम। तो यहाँ पर इस तरह यहाँ पर लेवल लिख के इस पर यहाँ पर कोई सब चिन्ह लगा के यहाँ पर अपना लेवल का नाम लिख देना है। तो मेरा लेवल का नाम है, मेरा नाम ही है, तो इस तरह लिख के यहाँ पे इसको कहीं भी सेट कर देना है, देख सकते हो इस तरह। फिर से यहाँ पे बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है, कोई सब कलर दे देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो वहाँ पे आर्ट है वो बन चुका है। इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेव एस एम एस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आएगा, देख सकते हो JPEG फाइल में हमारा यह फोटो है वो यहाँ पे सेव होएगा 3000x3000 के साइज़ में। इसको यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो हमारा फोटो यहाँ पे गैलरी में सेव हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सबसे ऊपर आना है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पे 3000x3000 के साइज़ में यहाँ पर हो चुका है। तो हमें यहाँ इसी तरह यहाँ पर थंबनेल बनाना है। बहुत सारे भाई के कमेंट आते हैं इसलिए ये बनाना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इसी तरह वहाँ पे पोस्टर बनाना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपका सॉन्ग यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा।
तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।